हटी हमारे रास्ते। बिंदिया, बिंदिया। उस दिन पता नहीं क्या हो गया था हमें, तुम्हारी जैसी भोली वाली मासूम लड़की से हमने इतनी गिरी हुई घटिया बात कैसे कह दी। प्लीज माफ कर दो। माफी तो गलतियों के लिए दी जाती है कृष्णा जी, बेइज्जती के लिए नहीं। जब एक औरत के आत्मसम्मान पर ठेस पहुँचती है तो वो अपनी जान दे सकती है पर माफी नहीं देती। क्रिश हुआ बिंदिया से नाराज, क्या बिंदिया मना पाएगी क्रिश को। शो की कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि किस तरीके से क्रिश जो है बिंदिया को प्रपोज करता है। बिंदिया से अपने दिल की बात कहता है सब घर वालों के सामने। उस दिन पता नहीं क्या हो गया था हमें, तुम्हारी जैसी भोली वाली मासूम लड़की से हमने इतनी गिरी हुई घटिया बात कैसे कह दी। प्लीज माफ कर दो। माफी तो गलतियों के लिए दी जाती है कृष्णा जी, बेइज्जती के लिए नहीं। जब एक औरत के आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचती है तो वो अपनी जान दे सकती है पर माफी नहीं देती। यहाँ पर पार्टी का माहौल चल रहा होता है और क्रिश पायल के साथ डांस कर रहा होता है। पायल को देख उसे ऐसा लगता है ये बिंदिया है और इसलिए पायल की जगह उसके मुंह से बिंदिया का नाम निकल जाता है। जैसे ही बिंदिया का नाम क्रिश की जुबान पर आता है पायल उसके बुरी तरीके से चिपट जाती है। बोलती है कि तुमने मुझे बिंदिया जैसे गवार के साथ कंपेयर किया भी तो कैसे, अगर तुम्हें लगता है मैं बिंदिया हूँ या बिंदिया जैसी हूँ तो मुझे नफरत है अपने इस चेहरे से। क्रिश जो है यहाँ पर बिंदिया को अपने दिल की बात बताता है, नीचे बैठ जाता है घुटनों के बल और बिंदिया से कहता है कि भले ही मैं पायल को खुशी में साथ रखता हूँ लेकिन मुझे दुख दर्द में सिर्फ तुम ही याद आती हो। अब ऐसे में आने वाले एपिसोड में ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि किस तरीके से शो की कहानी आगे बढ़ती है, किस तरीके से यहाँ पर क्रिश बिंदिया से अपने दिल की बात कहता है और बिंदिया का क्या रिएक्शन होता है। वैसे आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखने वाले हैं कि जो बिंदिया है क्रिश उससे शिकायत करता है कि तुम समय को तो सैम बुलाती हो लेकिन मुझे तो कभी आज तक प्यार से नहीं बुलाया। अब धीरे धीरे बढ़ रही है नजदीकियां। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय बताइए और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।